नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों की लिस्ट निकाली है और इन लोगों को उन्होंने अपने गठबंधन के द्वारा बैन कर दिया है। यानी कि अब इनके किसी भी शो में, किसी भी डिबेट में, इंडिया गठबंधन में जो जो पार्टी शामिल है उनके कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। ये नौबत क्यों आई इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस लिस्ट में जिनका जिनका नाम है उनको पहले हम बता दें। टोटल 14 लोगों की ये लिस्ट मेरे पास अभी मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे हैं अदिति त्यागी, दूसरे नंबर पे हैं अमन चोपड़ा, तीसरे पे हैं अमीश देवगन, चौथे पे हैं आनंद नरसिम्हन, पांचवे पे हैं अर्णव गोस्वामी, छठे पे हैं अशोक श्रीवास्तव, सातवें पे हैं चित्रा त्रिपाठी, आठवें पे हैं नाविका, दसवें पे हैं प्राची, और ग्यारहवें नंबर पे हैं रूबिका लियाकत, बारहवें नंबर पे हैं शिव अरूर, तेरहवें नंबर पे हैं सुधीर चौधरी, और चौदह नंबर पे हैं सुशांत सिन्हा। इनमें से पहले नंबर पे हैं अदिति त्यागी और दूसरे पे अमन चोपड़ा हैं। आज हम अमन चोपड़ा के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन अमन चोपड़ा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ये जो अभी मतलब कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जो स्टैंड लिया गया है, यह स्टैंड क्या पहले ले लेना चाहिए था, पहला सवाल। दूसरा कि ये जो पत्रकारों का लिस्ट जारी हुआ है, क्या वाकई में सिर्फ यही पत्रकार दोषी हैं बायस्ड पत्रकारिता करने के लिए, या फिर इन दिनों एक वर्ड जो आप लगातार सोशल मीडिया पर या फिर हर जगह पर लोगों के द्वारा सुनते हुए नजर आते हैं, गोदी मीडिया या फिर बिकाऊ मीडिया, इस तरह के शब्द आप सुनते हैं। तो क्या वाकई में जो गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट है या फिर जो बिकाऊ मीडिया का कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये पत्रकार जिम्मेदार है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बहरहाल, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो करने वाला हूं, जिसका जो कल आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन आज बात करेंगे अमन चोपड़ा पर। अमन चोपड़ा दरअसल न्यूज़ 18 के न्यूज़ एंकर हैं, पत्रकार हैं। अब पत्रकार आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो पत्रकार हैं, ऐसा वो मानते हैं। और उनके मतलब कि कोई भी न्यूज़ चैनल में अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो पत्रकार है, लेकिन क्या वो वाकई में पत्रकारिता कर रहे हैं यह जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पत्रकारिता किन मुद्दों पर होनी चाहिए और किन मुद्दों पर हो रही है, पत्रकारिता का मतलब क्या है। पत्रकारिता का मतलब दोस्तों होता है परमानेंट विपक्ष, सत्ता पक्ष में कोई भी हो, लेकिन विपक्ष का काम ही पत्रकारिता धर्म है, ये असली परिभाषा पत्रकारिता की होती है। बहरहाल, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं आऊँगा। मैं कुछ अमन चोपड़ा के आपको स्क्रीन मतलब कि उनके जो थंबनेल होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उसके स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ। और इस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद आप यह तय कीजिएगा कि अमन चोपड़ा किस स्तर के पत्रकार हैं, क्या वो अच्छे पत्रकार हैं या फिर इंडिया गठबंधन ने जो उनको साबित करने का प्रयास किया है वो उसी कैटेगरी के पत्रकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की चीज़ें बहुत बार हुई है, मतलब पत्रकारों के ऊपर बहुत बार आरोप लगा है, लेकिन इस तरह से किसी पत्रकार को या फिर न्यूज़ चैनल को विपक्ष के द्वारा बैन करने की प्रथा शायद ये पहली बार शुरू हुई है। आप पहला स्लाइड देख रहे हैं, पहला स्लाइड है अमन चोपड़ा का, सनातन पर प्रहार प्रचंड, भारत देगा दंड। यह स्टालिन ने जब उल्टा सीधा सनातन पर बयान दिया था, M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, उसके बाद से फिर उन्होंने ये शो किया था। बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म पर उस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अमन चोपड़ा को क्या देश में कोई और मुद्दा नज़र नहीं आता? इस मुद्दे को बोलने के बाद क्या उन्होंने कभी बेरोजगारी पे बात की? क्या उन्होंने कभी महंगाई पे बात की? क्या कभी उन्होंने इस देश की लचर शिक्षा व्यवस्था पे बात की? क्या उन्होंने इस देश के कभी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात की? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, और कभी वन नेशन वन एजुकेशन के ऊपर भी बात कर लीजिए ना, कभी वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए ना, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके बेटे यानी कि नेताओं के बेटे बढ़िया एजुकेशन पाएंगे और जो आम जनता, जो गरीब जनता के लड़के हैं वो लोग किस तरह से एजुकेशन पाते हैं ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। खैर, इनका जो दूसरा स्लाइड है वो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद पर माफ़ी काफ़ी ? देश नहीं झुकने देंगे, इनका प्रोग्राम है। भैया, देश कौन झुकने देगा? अपने जानते हुए देश कोई नहीं झुकने देगा, कोई भी भारतीय देश नहीं झुकने देगा। तो यह प्रॉपर एजेंडा सेट करना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इनका अगला थंबनेल, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है मोदी को इंडिया, इंडिया ने जो गठबंधन वाला इंडिया है का सीक्रेट वरदान, नीचे देश नहीं झुकने देंगे। मतलब कि इनका हर थंबनेल सरकार की तरफ से है। मणिपुर पर भाषण, नहीं दिखे दूसरे राज्यों के दुशासन।
भाई दूसरे राज्यों के शासन दिखाओ, लेकिन इसमें मणिपुर पर भाषण ये बात मतलब लिखते हुए और बोलते हुए शर्म नहीं आई? अगर आप किसी को आईना दिखा रहे हो तो क्या मणिपुर को छिपा लोगे? मणिपुर को दिखाते हुए भी तो आईना दिखा सकते थे। तो मणिपुर पर भाषण, ये लैंग्वेज कितना सही है? अंदाजा लगा पाओगे कि अगर वो मणिपुर में जो जो हुआ वो अगर तुम्हारे घर के किसी सदस्य के साथ होता, उसे बर्दाश्त कर पाते क्या, झेल पाते क्या? तो ये शब्द लिखना कि मणिपुर पर भाषण नहीं दिखे दूसरे राज्यों के दुशासन, भाई दूसरे राज्यों के दुशासन को दिखाओ, लेकिन मणिपुर के दुशासन को कम से कम डिफेंड तो मत करो। अगला है, G20 पर ये क्या कह गई प्रियंका, विश्वगुरु की ताजपोशी कितने विघ्न संतोषी ? मतलब कि यह भी सरकार के पक्ष वाला, हिंदुस्तान जिंदाबाद से डरे नसीर, एक तरफ नसीरुद्दीन शाह है और दूसरी तरफ सनी देओल है, क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम है? मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद से क्यों कोई डरेगा? अगला, शोएब और सुबूही का झगड़ा हमने सेंसर क्यों किया, झगड़े वाले वायरल वीडियो का पूरा सच। जानते हैं अमन चोपड़ा क्या करते हैं अपने डिबेट में, लोगों को बुलवाकर एक दूसरे को गाली दिलवाना है, दूसरे को के बीच में मार काट करवाना, हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना, और ये बेचारे बहुत ही सहिष्णु हैं। सनातन जीतेगा नफरत हारेगी, एक तरफ मोदी जी का पोस्टर है और एक तरफ विपक्ष के नेताओं का। लेकिन देखिए, विपक्ष के नेताओं में ये जो उदयनिधि स्टालिन ने जो किया है ना, उसने कहीं ना कहीं, और मैं उसको सम्मान की भाषा से नहीं बोल सकता, आप सरकार से सवाल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप शिक्षा पे सरकार से सवाल कीजिए, आप स्वास्थ्य पे सरकार से सवाल कीजिए, आप महंगाई बेरोजगारी पे सवाल कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि उदयनिधि स्टालिन ने इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट किया है ताकि जितने भी सनातनी लोग हैं वो एकत्रित हों और विपक्ष को, चूंकि विपक्ष में उदयनिधि स्टालिन भी हैं, करारा जवाब दे। इसी तरह का एजेंडा अपसेट होगा 2024 के चुनाव में। अगर यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में ये सब करके आप भाजपा को हरा सकते हैं, तो आपकी सोच को मतलब बारंबार प्रणाम, आप करके देख लीजिए, शायद आप सफल हो जाए। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं ना, छीछा ले दर, फिर किस बात की दुहाई दे रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है? अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सनातन को सीधे डेंगू से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करके देखिए ना, तुरंत सब फतवा निकाल देंगे और हो सकता है कि गला भी उतार के कहीं रख दें। खैर आगे बढ़ते हैं, एक सब पर भारी वर्षे 17 दलों की यारी, ना चेहरा ना चरित्र, गठबंधन की पुरानी रीत। इसमें भी अमन चोपड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट वाला थंबनेल बनाया, प्रोग्राम किया है। अगला है, UCC पर सबसे बड़ी धर्म संसद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाइव। ये इनका मतलब कि ये इनकी पत्रकारिता है, ये पत्रकार है। अब ऐसे में अमन चोपड़ा के कितने भी आपको थंबनेल दिखा लूँ, आप यकीन मानिए कि अमन चोपड़ा इसी के आसपास आपको नजर आएंगे, और ये इस देश के पत्रकार हैं। मतलब कि इनको तमगा मिल चुका है कि ये पत्रकार हैं, क्योंकि इनके हाथ में माइक होता है, इनके हाथ में टीवी शो है एक, जिसपे वो आते हैं, डिबेट करवाते हैं, चर्चा करवाते हैं, तो इसीलिए ये पत्रकार हैं। लेकिन पत्रकारिता का जो प है उसको भी ये चरितार्थ कर रहे हैं कि नहीं, उसका भी मान रख रहे हैं कि नहीं, यह हम और आप फैसला करें। दोस्तों, अब अमन चोपड़ा के इन तमाम थंबनेल्स को आपने देखा और इनके प्रोग्राम के बारे में आपने जाना, अब आप तय कीजिए कि अमन चोपड़ा किस स्तर के पत्रकार हैं। लेकिन सवाल यह भी कि मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ कि इस वक्त देश में दो तरह की पत्रकारिता हो रही है, पहली पत्रकारिता सत्ता के पक्ष में और दूसरी पत्रकारिता विपक्ष के पक्ष में, निष्पक्ष यहाँ पे कोई नहीं है। यानी कि एक तबका ऐसा है जो सरकार को नीचा दिखाना चाहता है, और एक तबका पत्रकारिता का ऐसा है जो, और जो जिनकी संख्या भी कम है और जो टीवी चैनलों पे आज नामात्र है, मतलब कि वो अब यूट्यूबर बन चुके हैं, यानी कि अब वो डिजिटल मीडिया पे आ चुके हैं, और उनका काम है सिर्फ और सिर्फ मोदी की बुराई करना। ऐसे में बच क्या जा रहा है? बच जा रहा है जमीनी मुद्दे, बच जा रहे हैं वो तमाम मुद्दे जिनमें बेरोजगारी शामिल है, वो तमाम मुद्दे जिनमें स्वास्थ्य व्यवस्था शामिल है, वो तमाम मुद्दे जिनमें शिक्षा व्यवस्था शामिल है, ये सब कुछ अब बच जा रहा है। यानी कि मुद्दे की पत्रकारिता नहीं हो पा रही है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो मुद्दे की पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आज नंबर था अमन चोपड़ा का। अमन चोपड़ा के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।